अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब लोगों का क्या हाल है। मेरे एक पिक्चर फ्रेम करवानी थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी साथ लेकर जाऊं और देखें कि ये पिक्चर फ्रेम कैसे होती है। मैंने पहले नहीं सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन जब मैंने शॉप देखी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। और ये देखिए इधर कितने प्यारे प्यारे सारे फ्रेम्स हैं। ये हमारा फ्रेम डैमेज है तो ये ठीक कैसे हो सकता है? ये फ्रेम जो है जी, ये डैमेज हो चुका है। ये इनका जो फ्रेम है ये एज इट इज नया बनेगा सारा। इसकी पीसेस की न्यू कटिंग होगी, उसके बाद जो है इसकी फिटिंग होगी, इसमें साइज का मिरर लगेगा, उसके बाद ये टोटल रीन्यू हो जाएगा और एक न्यू शेप में आ जाएगा। इसमें 6 से 7 कलर होते हैं। इन्होंने ये ब्लैक चूज किया है, वैसे इसमें गोल्डन भी है, मेहरून भी है, ग्रीन है, वाइट है, ऑफ वाइट है, इस तरह मुख्तलिफ कलर आते हैं। आपने ब्लैक बोला, ये ब्लैक ही हो गया। ये फुल इसी तरह का बॉडी का मैचिंग है? हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्ट, ये सेम टू सेम इसी मैचिंग में होगा, इसी साइज में होगा। ये फ्रेम के सैंपल हैं, ये कस्टमर के लिए है। जो भी कोई चूज करता है इनमें से, वो फिर फ्रेम के अकॉर्डिंग, पेंटिंग के अकॉर्डिंग जो मैच कर रहा हो, जो सूट कर रहा हो, हम फिर वो वाला पीस उसी साइज का बना के तो उसको लगाते हैं। ये बड़ा अच्छा कि ये लोग सेलेक्ट करते हैं, वरना अक्सर होते हैं लोगों जी लोग बिल्कुल कुछ और कहते हैं, बिल्कुल कुछ और। ये बहुत इजी हो जाता है चूज करना, मैचिंग करना और जो भी डिजाइनिंग जो है वो चूज करना आसान हो जाता है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैट है, ये लगा हुआ है ना, ये बिल्कुल ही प्लेन है, इसमें थोड़ी बहुत ना लाइनिंग और मैट है। ये जो फ्रेम है ना, ये दोबारा रीन्यू करने के लिए सारा खोलना पड़ेगा, इसको रीफ्रेम करना है। तो हम ये जो डैमेज पीस है इसमें से निकालेंगे, फ्रेम को दोबारा सारा जो है पुराना जो टूटा हुआ फ्रेम है पहले बैक साइड से खोल देते हैं एहतियात के साथ। ये टेप की होती है कि जब आप कोई स्पाइस कोई करें फ्रेम की तो हाथों पे ना लगें, ये जो कील है, नेल्स हैं ये जो हाथों पे लग जाते हैं समटाइम, इसलिए इनके ऊपर कील वो टेप कर दी जाती है। टेप मजबूती के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बस इनको जो है ना हाथ पुराना इस तरह बाहर आ जाएगा। ये इनका पीस है जी फ्रेश, और ये डैमेज पीस है जो टूटा हुआ था, ये अब ज़ाया हो गया। ये 18x18 इसका साइज़ है, दोनों तरफ से ये स्क्वायर में है, मुरब्बा शेप में है, 18x18। ये इसी साइज़ का इनका फ्रेम बनेगा 18x18। उसके बाद फिर इसको शीशा लगा के दोबारा इसकी फिटिंग न्यू तरीके से दोबारा, और ये फिर अपनी असल हालत में आ जाएगा। तो अंतर मेरा सवाल है आपसे कि ये आपने शौक कब शुरू किया और ये पेंटिंग वगैरह का शौक आपको कहाँ से है? ये शॉप मुझे तकरीबन बेटा 1 ईयर हो गया बनाए हुए। अच्छा। और शॉप इस वजह से है कि ये मेरे बड़े भाई जो हैं, मेरे कज़न जो हैं, कुछ बुज़ुर्ग थे मेरे जो यही काम करते थे। अच्छा। ये हमारा फैमिली का समझ लें कि काम है, तो उनको देख देख के मुझे भी शौक़ था, मैं भी कलर वगैरह से खेलता था, देखता था उनको, तो मुझे भी क्रेज़ हुआ कि मैं भी ये करूँ। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ ही बैठ के देख देख के सीखा, उनसे पूछ के, उनसे हिंट ले के, उसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कर लेता हूँ सब। और ये आपने देखा है ये जो लगा हुआ है, इसमें से मैक्सिमम जो है वो मेरा ही बना हुआ है। और शॉप को माशाल्लाह यहाँ पे वापडा टाउन में 1 ईयर हो गया। हमें आपका काम बहुत ही अच्छा लगे, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ये जो है पेंसिल वर्क और चारकोल है, इसमें एक ये मनारे पाकिस्तान बना हुआ है, एक वो बादशाह मोस्क बनी हुई है, ये भी जो है पेंसिल और चारकोल से बनी हुई है। देखें जी, ये सारा ऑयल पेंट है, इसकी साइडों पे एक्रेलिक पेंट किया हुआ है, सेंटर में सारा ऑयल पेंट है, इस तरह ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये भी तकरीबन सारा ही ऑयल पेंट है, इसको एंटीक इटालियन फ्रेम किया हुआ है हमने। ये जो है ये गोल्ड लीफ का काम होता है, ये इसके राउंड अबाउट जितना भी काम है ये सारा ऑयल पेंट से है, और जो ये गोल्डन है ये सारा लीफ लगा हुआ है, गोल्ड लीफ लगा हुआ है। अच्छा। इसको इटालियन फ्रेम किया हुआ है हमने, वो लेदर वर्क है, वो रैबिट की लेदर है, उसके ऊपर काम किया हुआ है सारा। ये देखें, ये हैंडमेड है, ये किसी कस्टमर का है,
और ये रियल फ्लावर है। इन फ्लावर को ड्राई किया हुआ है, ड्राई करने के बाद इनको पैच किया है माउंट के ऊपर, पैच करके अब इसकी फ्रेमिंग होगी और ये अपनी असली शक्ल में आएगा। आप बताएं कि आपका नाम क्या है और शॉप का नाम क्या है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, या व्यूअर्स को? मेरा नाम रिजवान है जी और मेरी शॉप का नाम है इब्राहिम आर्ट गैलरी और ये वापदा टाउन रहमत चौक में बेसमेंट में मैंने बनाई हुई है। इसकी साइडों पे सारा वो लीफ लगा हुआ है, ये आयतल कुर्सी लिखी हुई है जी। ये एक छोटा सा पीस है, ये लैंडस्केप है और विलेज का सीन है। ये फ्रेम भी ये देखें बड़ा प्यारा सा। सवाल है कि आजकल लोग किस किस्म के फ्रेम यूज़ करते हैं? आजकल बेटा जी ये एक तो मॉम यूज़ होता है, साथ में इटालियन फ्रेम है उसमें गोल्डन जी, हाँ जी सिल्वर है उसमें मुख्तलिफ कलर होते हैं, वो 2 इंच का भी है, उसके 4 से 5 इंच तक जो है वो यूज़ होता है, वो ज़्यादातर आजकल इन है, वो ज़्यादातर लोग करवाते हैं। कैलीग्राफी जो है वो फॉरएवर है, हमेशा ही चलती आई है और चलती रहेगी इंशाल्लाह, वो भी काफ़ी सेल होती है। उसके अलावा जो ये लैंडस्केप हैं, ओल्ड सिटी हैं, उनका भी आजकल काफ़ी ट्रेंड है। ये इटालियन जी, बिल्कुल ये इटालियन मॉडलिंग। कुछ लोग इसको एज ए माउंट यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है ना हमसे वो फ्रेम करवा लेते हैं किसी के ऊपर, लाइक ये देखें ये माउंट के तौर पे यूज़ होगा और फ्रेम इस तरह रख के, तो ये इसे हम डबल फ्रेम बोलते हैं। अच्छा। इसमें काफ़ी कलर हैं, जिस तरह का मर्जी डिज़ाइन है अंदर ये लग जाएगा, उसके ऊपर इस तरह फ्रेम हो जाएगा, के ऊपर वाटर कलर करते हैं ये इस तरह। मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं ये अपने आइडिया से बनाई हुई हैं, कुछ इसमें फ्लावर हैं, कुछ बर्ड्स हैं, कुछ इसमें शिप वगैरह की हैं पिक्चर, इस तरह की मैंने भी ये देखें बनाई थी। ये देखें ये फ्लावर हैं इसमें, इस तरह शेडिंग भी बड़ी अच्छी जी। ये ओल्ड सिटी जो ओल्ड सिटी के गेट हैं वो बने हुए हैं, ये इसमें जो है कुछ क्रॉकरी भी बनाई हुई है कुछ इस... ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये खूब किए हैं सर, बहुत ही प्यारे। ये वाटर कलर ये पड़े हुए हैं, ये फ्रेम बने हुए हैं 3-4, ये भी किसी के हैं, इनमें शीशा शीशा लगा हुआ है, ये भी कस्टमर के हैं। ये जो है ये वो एम्ब्रॉयडरी जो टेक्सटाइल काम होता है, ये वो काम है कपड़े के ऊपर काटन के ऊपर हुआ होता है, फ्रेमिंग इसकी मैंने करनी है। अब ये देखिए ये कितनी प्यारी पिक्चर है, ये देखिए ये आप गौर से देखेंगे तो ये कपड़ा सिलाई हुई है, स्टिचिंग हुई हुई है इसके, ये भी बहुत प्यारी आर्ट है, ये खुद इन्होंने खुद बनाई है। ये देखिए ये पेंटिंग एसएसएस क्री की है, ये इन्होंने खुद पेंटिंग की है, लगता है कि इनका भी शौक है गेमिंग वगैरह का। ये गौर से देखें क्या लिखा हुआ है, ये मोहम्मद लिखा हुआ है, मीम है मीम दा, ये सूरह नास लिखी हुई है, ये मोहम्मद लिखा हुआ है, ये अल्लाह लिखा हुआ है। अगर मैं आपको नीचे से दिखाऊं तो इसमें नीचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4 पीस का सेट लोग लगाते हैं वो बना के ना, का बहुत ही हमें मजा आया, बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू जी, बहुत आपका, अल्लाह करे कि आपका काम भी और ज्यादा चले। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चलिए ये बहुत ही अच्छी आर्ट गैलरी थी, तो आप लोग इधर जरूर आए और आई होप कि आप लोगों ने भी कुछ एंजॉय किया होगा। मुझे इधर बहुत ही मजा आया है और मुझे भी आर्ट में शौक है, तो मुझे तो इधर काफी ज्यादा मजा आया। और आप लोग भी इधर फ्रेमिंग वगैरह कराने के लिए आए, इधर सारी चीजें हो जाती हैं और ये जो सारी पेंटिंग्स हैं ये खुद करते हैं और ये बड़ी हैरानी की बात है, तो आप इनसे ज़रूर पेंटिंग वगैरह या फ्रेमिंग वगैरह कराएं। तो गाइस अब हम आ गए भटूरे और सी कबाब खाने, और उस अमेजिंग आर्ट गैलरी के बाद अब हम सोचा हमने कि हम ये खाएं, चले इसका बाइट करते हैं, देखते हैं कितना ये जूसी है और ये देखें कितना भरा है।
हमारे फेवरेट भटूरे। So if you like the video, hit the like button and don't forget to subscribe. Allah Hafiz.